हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्लास टेंथ के केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, में रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन, उस चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे, जानेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए हमें एक बार फिर से ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन की जो डेफिनेशन होती है उसको दिमाग में रखना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा। तो उसको मैं रिकैप कर यहाँ पर कर देता हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होता है और इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एलिमेंट होता है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, वो ऐड होगा। फिर ऑक्सीडेशन में रिमूव होगा, रिमूव क्या होगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिमूव होगा, मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, मैग्नीशियम टू पॉजिटिव, ये रिमूव होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव टाइप का कोई एलिमेंट। फिर रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोजिट चीज़ें होती है, ठीक है ना, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन से जस्ट अपोजिट चीज़ें होती है। इसमें आप ध्यान देंगे कि इसमें क्या था, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फिर ऐड ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो यहाँ होगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव। फिर यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, तो इसमें होगा ऐड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ जाना। और इसमें फिर था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिमूव होना ऑक्सीडेशन में, तो रिडक्शन में हो जाएगा आपका ऐड ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यानी कि ऑक्सीडेशन में जो जो प्रोसेस होगी उसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस जो होगी वहाँ पर रिडक्शन में होगी स्टूडेंट। चलिए, तो ये तो रिकैप्चुलेशन हो गया, दोहरा दी गई बातों को। और अभी हम लोग जहाँ सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन को समझिए, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे इसको, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन को दूसरे नामों से क्या जानते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। मींस रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा कि अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन विच जिसमें ऑक्सीडेशन है ना, और रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनसली। मींस इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन और जिसमें रिडक्शन दोनों साथ साथ हों, उसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। एक्चुअली जो रिडॉक्स नाम जो पड़ा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन जब साथ में होंगे तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। एक्चुअली जो रेडॉक्स नाम पड़ा वो ऑक्सीडेशन का OX ले लिया गया और रिडक्शन का रेड ले लिया गया, तो ऑक्सीडेशन इसका रेड ले लिया गया और इसका ऑक्स ले लिया गया, तो ये दोनों मिलाकर यहाँ बना दिया गया रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा स्टूडेंट, ठीक है। तो होप डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, है ना, एक ही केमिकल इक्वेशन में दोनों रिएक्शन साथ साथ होगी, तो उस केमिकल इक्वेशन को रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे और एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं। सो स्टूडेंट, हम इस वाले इक्वेशन को देखते हैं और समझते हैं कि ये वाला इक्वेशन किस तरह से हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है।
तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए ये रिएक्शन में कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट किया और क्या क्या प्रोडक्ट बना, आइए उसको समझते हैं। जिंक यहाँ लिया गया है सॉलिड सॉलिड फॉर्म में जिंक लिया गया, और कॉपर सल्फेट लिया गया है एक्वस फॉर्म में, यानी कि वाटर का सोल्यूशन के साथ ये है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके बनाते हैं कॉपर विच इज इन सॉलिड फॉर्म प्लस ZnSO4 विच इज इन एक्वस फॉर्म, यानी कि कॉपर बनता है सॉलिड सॉलिड फॉर्म में होता है वो, और जिंक सल्फेट बनता है यहाँ पर वो एक्वस फॉर्म में जलीय विलयन के रूप में वो यहाँ पर रहता है। तो अब हम इसको देखते हैं स्टूडेंट, अगर हम इसको अंडरलाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं आपस में जिंक और ZnSO4, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि जिंक यहाँ पर जिंक था ना, अब यहाँ पर हो गया ZnSO4, यानी कि जिंक में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन का तो ऐड हुआ यहाँ पर है ना, ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो आप देखिए पहले यहाँ पर जिंक था केवल, और अब यहाँ पर ZnSO4 हुआ है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन, जिंक में पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन आ गया, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर हुआ ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें रिडक्शन रिएक्शन क्या हुआ, अब इसको आप ध्यान दीजिए इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि CuSO4 से हमारा बना Cu, वही Cu के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, केवल हमें Cu मिला, यानी कि यहाँ पर हुआ हमारा ऑक्सीजन हट गया, यहाँ हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट आप देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि ये हमारा हो गया रिडक्शन रिएक्शन हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया रिडक्शन रिएक्शन। तो अब यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ हुआ रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि एक ही इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं, ठीक है ना, एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं, इसलिए ये जो टोटल इक्वेशन जो है आपका, ये ZN विच इज अ सॉलिड है, CuSO4 एक्वस फॉर्म लेकर जो बनाया गया है यहाँ पर, Cu सॉलिड प्लस ZnSO4 एक्वस, ये जो बनाया गया यहाँ पर, ये स्टूडेंट कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, ये स्टूडेंट कहलाएगी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी, बिकॉज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन दिस केमिकल इक्वेशन। सो स्टूडेंट अभी हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल है उसको समझते हैं, और हमारा सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि कॉपर ऑक्साइड जो सॉलिड है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो यहाँ पर गैस है, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बना रहा है कॉपर जो आपका क्या है सॉलिड है, और वाटर बनाता है जो लिक्विड फॉर्म में है। अब आप इनको गौर से देखेंगे स्टूडेंट तो पाएंगे क्या, आप यहाँ गौर से इनको देखेंगे तो मिलेगा हमें कि Cu से यहाँ पर Cu के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ यहाँ पर हुआ स्टूडेंट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर हट गया, ऑक्सीजन यहाँ पर हट गया, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हुआ स्टूडेंट। और आप इनको गौर से देखिए, इनको आप गौर से देखेंगे तो हमें मालूम चलेगा यहाँ पर कि हाइड्रोजन पहले है ना, इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, अब यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, मीन्स यहाँ क्या हुआ ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो गया इसमें, तब जाके ये बना। तो ये हमारा यहाँ कहलाएगा क्या आपका स्टूडेंट, ये हमारा यहाँ कहलाएगा कि यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर हुआ, अब ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, ये एग्जाम्पल हो गया रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया ये वाला, समझ गए, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। चलिए तो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड लेते हैं, और एग्जाम्पल हमारा थर्ड क्या है, PbO+ कार्बन गिव्स Pb+ CO2। अब इनको गौर से देखते हैं स्टूडेंट, इनमें देखते हैं कि कहाँ किनके बीच ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, किनके बीच रिडक्शन रिएक्शन हुई।
यहाँ आप देखिए पीबीओ के साथ ऑक्सीजन था या नहीं है, ये ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई यानी कि यह रेडॉक्स रिएक्शन हुआ स्टूडेंट। और इसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या है कि कार्बन है और कार्बन के साथ कार्बन अब क्या हो गया सी ओ टू बन गया, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रेडक्स रिएक्शन स्टूडेंट, ये भी रेडक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का, रेडक्स रिएक्शन का। जैसे और भी एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, जैसे एक ये है Fe2O3 है ना प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe और इसको मैं बैलेंस कर दे रहा हूँ 2:2 मीन्स आयरन ऑक्साइड आयरन टू ऑक्साइड ये है, एल्युमिनियम से रिएक्ट किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया प्लस आयरन बनाया। अब यहाँ आप इसको गौर से देखिए, पहले आयरन के साथ ऑक्सीजन थी अब ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुआ, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। और यहाँ पर आप देखिए गौर से एल्युमिनियम में पहले ऑक्सीजन नहीं थी अब ऑक्सीजन यहाँ आ गई, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया यानी कि हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, तो दोनों रिएक्शन साथ में हो रहे हैं तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन स्टूडेंट। ओके सो टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑन दिस वन, Cl2 क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है H2SO H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड और यहाँ बनाया हमारा 2HCl बैलेंस किया हुआ है और S। ठीक है, अब आप गौर से देखें कि Cl में क्या ऐड हो गया, पहले Cl था Cl में हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ ऐड ऑफ हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। और यहाँ देखते हैं क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ देखते हैं कि H2S से केवल S हो गया यानी कि H2S से S हो गया यानी कि पहले हाइड्रोजन था हाइड्रोजन हट गया यहाँ पर यानी कि यहाँ हो गया हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम इसको कह सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको हम लोग कुल मिलाकर बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। होप स्टूडेंट आपको रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अगली क्लास में हम लोग कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से और देन डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे और होप आपको सारी चीज़ें अच्छी समझ में आई होगी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।